नवरात्रों में उगाए जाते हैं जौ के जवारे, और नवरात्र समाप्त होते ही इनको करना पड़ता है विसर्जन। हे प्रियवर, मेरी आपसे केवल एक ही विनम्र प्रार्थना है कि एक तो आप केवल और केवल नवरात्रों में ही माँ को याद ना करें, माँ को रोज याद करें। माँ है, कल्याणकारी है, हर समय आपकी सहायता करती हैं। और दूसरी बात, जो माँ के दरबार में आप जौ उगाते हैं, इनके बारे में ज़रा आप पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। बहुत सारी जगह इनके बारे में लिखा गया है। मैं यही चाहता हूँ कि आप इन जौ के जवारों को रोज़ उगाएं थोड़ा सा, और इनका आप रोज़ सेवन करें। जो लोग तरह तरह के नशे करते हैं, नशा करते हैं, उनके लिए तो ये रामबाण औषधि है। नशा छूट जाएगा, मोटापा समाप्त हो जाएगा, तरह तरह की बीमारियां समाप्त हो जाएंगी, और आप लगेंगे उत्साहित। उत्साह वर्धन करने की दवा है ये। सबसे पहली जो अन्न इस पृथ्वी पर उगा था, कहते हैं कि वो जौ ही था। जौ देवताओं को अर्पित किया जाता है, तो करें आप इस पर विचार। और जो लोग नशे से पीड़ित हैं, उनको रोज़ सेवन करने के लिए इनका रस दे दीजिए, या फिर जो लोग तंबाकू वगैरह खाते हैं, खैनी वगैरह खाते हैं, उनको तो कुछ पत्ते वैसे ही चबा लेने चाहिए। दो दो तीन तीन घंटे तक इसके पत्ते मुंह के अंदर ही रहते हैं, च्युइंग गम की तरह। तो आप इनका विसर्जन करने से पहले एक बार ज़रूर सोच लें, मैं अपनी गौशाला में हमेशा उगाता हूँ इनको, और जो भी मेरे पास आता है, मेरे पास देने के लिए तो कुछ है नहीं, बस मैं उनको यही जौ के जवारे अर्पित कर देता हूँ। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्ये 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 नमो नमः। देहि सौभाग्य आरोग्यम, देहि देवी परम सुखम, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। जय हिंद।